प्रेस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहा है राजधानी भोपाल से, जहां पर कांग्रेस अध्यक्ष को बदलने की अटकलें आज तेज हो गई हैं। जी हां, दिल्ली में आज ये कांग्रेस कमेटी की बैठक होने वाली है, जिसमें कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष के बदलने की अटकलें तेज हो गई हैं। बैठक में इस्तीफा दे सकती हैं सोनिया गांधी, मनमोहन सिंह बनाए जा सकते हैं अंतरिम अध्यक्ष। बैठक से पहले कई नेताओं ने रखा है अपना पक्ष। राहुल गांधी के समर्थन में आए कांग्रेस के युवा नेता, सीनियर नेता सोनिया गांधी के पक्ष में। कमलनाथ और दिग्विजय सिंह को सोनिया गांधी पर भरोसा, जबकि जीतू पटवारी ने फोटो शेयर कर राहुल गांधी का किया है समर्थन। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं भोपाल से। तो इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है भोपाल से, कांग्रेस अध्यक्ष बदलने की अटकलें तेज हो गई हैं। आज कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक है, बैठक में इस्तीफा दे सकती हैं सोनिया गांधी। आपको बता दें मनमोहन सिंह बनाए जा सकते हैं अंतरिम अध्यक्ष। बैठक से पहले कई नेताओं ने अपना पक्ष रखा है। अगर सीनियर लीडर्स की बात की जाए, सीनियर नेताओं की बात की जाए, तो उन्हें सोनिया गांधी पर भरोसा है, जबकि जो युवा नेता हैं उन्हें राहुल गांधी पर भरोसा है। कमलनाथ और दिग्विजय सिंह ने सोनिया गांधी पर भरोसा जताया है, जबकि युवा नेता जीतू पटवारी ने फोटो शेयर कर राहुल गांधी का समर्थन किया है। और इसी खबर पर हमारे साथ सीधे जुड़े हमारे स्टेट हेड राजेश सक्सेना जी। राजेश जी, आज दिल्ली में कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक होने वाली है, कल से इसकी अटकलें बहुत तेज हो गई थी। फेसबुक पे देखें या फिर सोशल साइट पे भी देखें तो सोनिया गांधी के अंतरिम अध्यक्ष पद से इस्तीफा देने की चर्चाएं तेज हो गई और आज उसी को लेकर अहम बैठक होने वाली है। क्या कुछ आपको लगता है? और जिस तरह से आपने किया और जिस तरह से चर्चा है या अटकल है, जिस तरह से की सोनिया गांधी जो अपनी कांग्रेस की अंतरिम राष्ट्रीय अध्यक्ष है, वो अपने सीट से निकल कर सकते हैं। वर्किंग कमेटी के सभी सदस्य हैं इसमें शामिल हो रहे हैं, क्योंकि कोरोना काल है, ऐसे में के जरिए कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक को बैठक के पहले जिस तरह से अगर जिक्र करें तो तमाम सारे नेता अलग अलग की घरों में बटे हुए हैं। कुछ नेता ऐसे हैं जो चाहते हैं कि सोनिया गांधी अध्यक्ष बनी रहे, अंतरिम की जगह भूतकालिक अध्यक्ष बन जाए और आगामी जितने भी चुनाव हैं उनका नेतृत्व सोनिया गांधी करें, लेकिन कई ऐसे भी नेता हैं वो राहुल गांधी को चाहते हैं। और यही कारण है कि तमाम सारे नेताओं ने कल चिट्ठियां लिखी हैं, सोनिया गांधी के नाम चिट्ठी है, राहुल गांधी के नाम में चिट्ठी है। अगर हम मध्यप्रदेश के नेताओं की बात कर रहे हैं, मध्यप्रदेश के नेता भी दो भागों में बटे हैं। एक तरफ वो नेता है दिग्विजय सिंह है, जीतू पटवारी है, अरुण यादव है, जो चाहते हैं कि राहुल गांधी पूर्णकालिक कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने, देश की कमान कांग्रेस की उनके हाथों में हो। कई ऐसे भी नेता हैं, उनमें सबसे बड़ा नाम है अमरनाथ का, जो ये चाहते हैं कि सोनिया गांधी ही के बागडोर संभाले। इसी तरह देश के अन्य राज्यों से तमाम कांग्रेस के जो लीडर हैं या जहां पर कांग्रेस की सरकारें हैं, वहां के मुख्यमंत्रियों ने भी राहुल गांधी को पूर्णकालिक अध्यक्ष बनाने की मांग की है। बड़े नेताओं में भी जिस तरह से हमने जिक्र किया कि दो भागों में है, कई चाहते सोनिया गांधी जी बने, लेकिन एक धड़ा ऐसा भी है जिस तरह से लगातार दो तीन दिन से सारा घबराहट बचा हुआ है। कई नेता ऐसे भी हैं वो ये चाहते हैं कि गांधी परिवार से अलग कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष बने। हालांकि ऐसे नेताओं की जो संख्या है वो कम है,
अधिकतर जो नेता है, चाहे वो सीनियर लीडर हो चाहे वो युवा लीडर हो, उनकी मांग गांधी परिवार से की है कि गांधी परिवार से कोई अध्यक्ष बने। हालांकि नाम तो प्रियंका गांधी को लेकर भी चल रहा है, लेकिन ज्यादातर जो लीडर्स है, ज्यादातर जो नेता है, वो राहुल गांधी को चाहते हैं कि राहुल गांधी में वो कैपेसिटी है, वो क्षमता है, वो एक्टिवनेस है, जो मोदी सरकार के खिलाफ बीजेपी के खिलाफ पूरी दमदारी के साथ अपना पक्ष कांग्रेस रख सकती है। यही कारण है कि राहुल गांधी को लेकर वही स्थिति बनी हुई है। जब याद करेंगे 2019 लोकसभा का चुनाव था और लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को करारी हार का सामना करना पड़ा और राहुल गांधी ने अध्यक्ष जो पद था उसको छोड़ दिया था। फिर तमाम तरह का मान भ्रमण उनको लेकर चला, राहुल गांधी को मनाने की कोशिश की गई, कई तरह के पत्र लिखे गए, कोई सभी कार्यकर्ताओं ने पत्र लिखे, लगातार वो भी कांग्रेस के दलगत थे, वो राहुल गांधी को हराते रहे, लेकिन राहुल गांधी माने नहीं और फिर कहीं जाकर सोनिया गांधी को अंतरिम अध्यक्ष बनाया गया। लगभग एक साल से ज्यादा अच्छा वाक्य ये हो सकता है और अब कहीं ना कहीं कांग्रेस चाहती है कि जो संगठन है GWC से लेके जितने स्तर पर इस संगठन को मजबूत किया जाए, खड़ा किया जाए, जिस तरह से तमाम नेता चाहे वो दिग्विजय सिंह हो, चाहे वो गुलाम नबी आजाद हो, आनंद शर्मा हो, कपिल सिब्बल हो, विवेक तन्खा हो, मनीष तिवारी हो, ऐसे तमाम लीडर लगातार कह सकते हैं कि अब अमूल चूल बदलाव की जरूरत कांग्रेस में है। निचले स्तर से लेकर उच्च स्तर तक कांग्रेस में बदलाव किया जाए, तमाम सारी जो इकाइयां हैं या फिर जो अलग अलग राज्यों के अध्यक्ष हैं या जिला अध्यक्ष हैं या संभाग स्तर पर जो पदाधिकारी हैं, उनसे एक ऐसी एक्सरसाइज की जाए और नए सिरे से कांग्रेस को खड़ा किया जाए। हालांकि अगर हम प्रमोद आचार्य की बात करें, प्रमोद आचार्य ने जिस तरह से अपने बात रखी है, कहीं ना कहीं सवाल खड़े किए कि कई नेता चाकूसी करते हैं, चाकूकारिता करते हैं, ये भी गांधी परिवार की, ये भी एक बड़ा उसमें फैक्टर है। लेकिन इन और यही है, कांग्रेस का जो अध्यक्ष वो गांधी परिवार से हो, अगर सोनिया गांधी के पीछे अगर किसी की दलील है बनाने की, उसके पीछे यही है कि जब अटल बिहारी की सरकार देश में थी और जब दूसरे साल में चुनाव हुआ, ऐसे में सोनिया गांधी के नेतृत्व में ही वो चुनाव लड़ा गया और उसमें सत्ता में वापस आई, तो वही फैक्टर कई नेता घूमते बैठे हैं। लेकिन खास तौर पर जो युवा चेहरा है, युवा लीडर्स है देश के या फिर कई कांग्रेस के सीनियर लीडर्स भी राहुल गांधी में आस्था जता रहे हैं, राहुल गांधी को अध्यक्ष बनाना चाहते हैं। 11 बजे CWC बैठक होगी, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक होगी, CWC के वो तमाम सारे नेता से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़ेंगे और जो चाहे वो ट्वीट किए गए हों कल से लेकर आज तक या उससे पहले या पत्र लिखे गए हों, ऐसी ही बातें आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होंगी। लेकिन ये बिल्कुल तय माना जा रहा है सोनिया गांधी अंतिम अध्यक्ष पद से इक्कीस से इक्कीस तक पद तक। बहुत बहुत शुक्रिया राजेश जी हमारे साथ इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। तो आज दिल्ली में कांग्रेस वर्किंग कमेटी की अहम बैठक होने वाली है और इस बैठक में ये अटकलें लगाई जा रही हैं कि आज सोनिया गांधी कांग्रेस के अंतरिम अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे सकती हैं और उनकी जगह मनमोहन सिंह को ये पद दिया जा सकता है। हालांकि कई जो नेता हैं, अगर सीनियर लीडर्स की बात की जाए, तो उन्हें सोनिया गांधी पर भरोसा है, जबकि युवा नेताओं को राहुल गांधी पर भरोसा है।